हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आई होप आप सब अच्छा कर रहे हैं, जीवन में खुश हैं, राइट। माय नेम इज़ अदिति एंड दिस इज़ आर ऑसम टीम हियर। ये हमारे कोर्सेज हैं जिसके बारे में आपको बता चुकी हूँ कि हम लोग 6 to 8 के जितने भी ओलम्पियाड हैं वो और जितना भी NCERT है वो सब कुछ हम कवर कर रहे होंगे इन दिस यूट्यूब चैनल। मतलब YouTube चैनल पे हम लोग ये सब कवर करे होंगे, NTSC, NSE, JS, PRMO, जितना भी 6 to 10th के स्कूल लेवल एग्जामिनेशन होते हैं वो सब आपको YouTube चैनल के ऊपर मिल रहा होगा फॉर फ्री, राइट। अब इसके अलावा ये तो हो गए जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसके बारे में, बट यू वुड बी वॉन्टिंग द स्टडी मटीरियल एज वेल। स्टडी मटीरियल भी हमें चाहिए क्योंकि हम प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, राइट। तो अब इसके लिए क्या है, दिस इज़ आर वेबसाइट दैट इज़ www.talkingtextbooks.in। यहाँ पे जाकर के यू कैन गेट आर पैकेजेस। इन पैकेजेस में दीज आर द कॉम्प्रिहेंसिव पैकेजेस। सी, दिस इज़ द हाईएस्ट पैकेज दैट वी हैव। 9000 इज़ द हाईएस्ट पैकेज दैट वी हैव फॉर 6, 7, and 8 एज फॉलोज। उसके अंदर वील बी गिविंग यू, वील बी प्रोवाइडिंग यू द यूट्यूब लेक्चर्स विच आर देयर इटसेल्फ। देन स्टडी मटीरियल होगा, टेस्ट सीरीज होगा एंड क्विजेज होंगे। उन टेस्ट सीरीज के आपको रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। So this is for 9000, but if you'll apply my code, that is AVLIFE, तो उससे आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा और फाइनल प्राइसिंग होगी 6300 की। फाइनल प्राइसिंग वुड बी ऑफ 6300 विच यू कैन पे थ्रू एनी ऑप्शन, दैट इज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, अप टू यू, राइट। जैसे भी आप पे करना चाहें। आफ्टर पेइंग यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम आर एग्जीक्यूटिव हियर। वो आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि कितने टाइम में या किस मोड से आपके पास आपका पूरा जो पैकेज है वो पहुंचने वाला है। इसके अलावा भी आपको इस सबसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है सो दैट यू कैन आस्क ऑन दिस फ़ोन नंबर दैट इज़ 9549041111। ये आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टडी मटीरियल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द DPPs दैट यू कैन हैव ऑन अ टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल सकती है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, राइट। यू कैन ज्वाइन अस देयर। वहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप एंड सर्च कर लीजिए रिलेवेंट क्लासेस पर। वहाँ पर हम लोग DPPs प्रोवाइड करते हैं, वो आपको सॉल्व करनी है। वहीं पर आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर भी पूछ सकते हैं, इन द कमेंट सेक्शन बिलो वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, राइट। सो स्टार्टिंग विद इट, आज का जो लेक्चर है दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, बट दैट इज द थर्ड लेक्चर। बिफोर स्टार्टिंग प्लीज टेक द प्रॉमिस एंड देन वील स्टार्ट विद द थर्ड लेक्चर विच इज अगेन ऑन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स ओनली। हम लोग दो लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज वी स्टडीड अबाउट ऑल दिस प्रॉपर्टीज जो थी स्क्वायर्स की, परफेक्ट स्क्वायर्स की। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किए। देन कुछ पैटर्न स्टडी किए हमने, कॉलम मेथड, स्क्वायर्स को निकालने का एक मेथड तो ऑब्वियसली यही है कि मल्टीप्लिकेशन मेथड है, बट लास्ट लेक्चर में हमने दो मेथड देखे, दैट वॉज कॉलम मेथड एंड डायगनल मेथड। वी सॉ दैट हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए थे, कुछ मैंने आपको होमवर्क दिए थे, आई होप वो आपने किए। जो नहीं आए वो आप पूछेंगे। आज का जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सम पर्टिकुलर मतलब जो हमने मल्टीप्लिकेशन के मेथड्स पढ़े थे, राइट। हमने पढ़ा था कि एक तो था कॉलम मेथड, एक था डायगनल मेथड, ठीक है। एक सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन भी आएगा, वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, बिकॉज दैट इज फॉर बेसिकली वेरी स्मॉल नंबर्स। मतलब वो बहुत ही छोटे नंबर्स के लाइक स्क्वायर रूट पता करने के लिए काम आता है, क्योंकि क्या होता है कि स्क्वायर रूट बेसिकली दैट इज टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, नॉट द स्क्वायर। स्क्वायर पता करने के लिए कि तो ये दो मेथड होते हैं और एक बाकी होता है मल्टीप्लिकेशन, बट देर आर सर्टेन अदर मेथड्स एज वेल, बट वो स्पेसिफिकली कुछ एक सर्टेन काइंड ऑफ फॉर्मेट है उसी के लिए ही वो एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर यूनिट प्लेस पर, दिस इज नॉट 105, this is 95 basically, क्योंकि उसके लिए तो हम 524 कर ही रहे होंगे। सो लेट्स सर्च फॉर 65 का स्क्वायर। मतलब बेसिकली ये हम ऐसे नंबर्स के लिए देख रहे होंगे जो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, A5 की फॉर्म में, जहाँ 5 जो है मतलब बेसिकली इस तरह से लिखा हुआ है, तो 5 इज इन द यूनिट्स प्लेस, ठीक है, एंड A इज ऑन द टेंस प्लेस, ठीक है। तो
तो हम इसके अंदर क्या कर रहे होंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 5 की जगह पर तो क्या आ जाएगा 25, एंड इस ए की जगह पर, इस ए की जगह पर बेसिकली हम क्या लिख रहे होंगे, ए ए प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन, राइट। यही हम यहाँ पर भी करेंगे, जस्ट सी टू इट, देखो दिस इज व्हाट 65। अब ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, ए 5 की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 5 का तो मैं एज इट इज 25 लिख दूंगी। अब इस 6 के लिए मैं क्या लिखूंगी, 6 के लिए व्हाट एम आई गोइंग टू राइट, 6 × 7, 6 जो नंबर लिखा है उसी का जो सक्सेसिव नंबर है, सो कितना हो गया 42। सो मैं क्या कर दूंगी, 42 यहाँ लिख दूंगी, तो इसका कितना हो गया स्क्वायर, दैट इज 4225। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं अपन, से 45 का, ठीक है 45 का लेकर के देखते हैं अपन। तो अब इसके अंदर क्या है, 5 तो एज इट इज आ गया 25। अब 4 किससे मल्टीप्लाई होता है, 4 × 5, 4 का जस्ट नेक्स्ट सक्सेसिव नंबर, मतलब जो भी नंबर मुझे यहाँ पे दिया है 10 स्पेस पर उसके जस्ट नेक्स्ट सक्सेसिव नंबर से मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 4 × 5 = 20। सो इसका कितना आ गया 2025। दिस इज अ मेथड जहाँ पे आप 2 डिजिट नंबर्स जहाँ है, जहाँ पे 1 स्पेस पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो आप उसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन, डायरेक्ट हमें देखते ही पता लग जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मेट इज, नेक्स्ट फॉर्मेट इज फॉर 5A, जहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 जो है, नाउ दिस इज रिटन लाइक दिस, दिस इज 5A, नाउ A इज ऑन द यूनिट्स प्लेस एंड दिस इज ऑन द टेंस प्लेस, 5 इज ऑन द टेंस प्लेस, सो दिस इज द मेथड, A यहाँ पर है, 5 टेंस प्लेस पर है, ठीक। तो अब इसके अंदर क्या है, इसका एक प्रोसीजर है, हाउ वी सपोज टू राइट इज दिस, 25 + a मल्टीप्लाइड बाई 100 + a². तो इसको मैं किस तरह करके बताऊंगी, लेट जस्ट सी टू इट, 52 का स्क्वायर मुझे पता करना है, तो अब यहाँ पे मैंने 25 लिख दिया एज इट इज, प्लस a की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी 2, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 + a² = 4, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, सो दिस बिकम्स 27 × 100, कितना हो जाएगा ये 2700 + 4, सो दिस इज 2704। तो इसका मुझे 52 का स्क्वायर का मुझको क्या मिल गया, 52 स्क्वायर का मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, दैट इज 2704, राइट। एक और एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं, लेट्स टेक 59 लेकर के देखते हैं, ठीक है 59 का स्क्वायर मुझे पता करना है, तो अब कितना हो जाएगा, कैसे लिखूंगी मैं, 5 का 25 + 9 एज इट इज मुझे लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, प्लस 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर दैट इज 81, अब मैं इसको लिख लूंगी 3400 + 81 विच गिव्स मी हाउ मच 3481। तो इस तरह से मुझे 59 का स्क्वायर पता लग गया, 59 का स्क्वायर जो है वो मुझे पता लग गया। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट मेथड इज, नेक्स्ट मेथड जो है वो किस पे है 524। अब व्हेन दिस इज गिवन लाइक दिस, 5AB के फॉर्म में है, अगर मुझे दिया हुआ है 5AB के फॉर्म में, यहाँ पे दिस इज ऑन द वंस प्लेस, राइट यूनिट प्लेस, बेसिकली यूनिट प्लेस लिख देती हूँ मैं, दिस इज यूनिट प्लेस, दिस इज टेंस, एंड 5 इज ऑन द हंड्रेड प्लेस, 5 जो है वो 100 प्लेस पर दे रखा है, तो अब इसको लिखने का क्या तरीका होगा, इस तरीके से मैं लिखूंगी। एक एग्जांपल जो 524 है उसको मैं लेकर के बताती हूँ, सो 524 है बेसिकली कैसे हो जाएगा, अभी 255 है तो 25, राइट, बट वो 100 प्लेस पर है इसलिए 250 + AB,
मतलब 24 को मैं एज इट इज लिख लूंगी, राइट, देन मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 24 का स्क्वायर, दैट इज 576, 576 लिख लिया मैंने 24 का स्क्वायर. अब इसको अपन ऐड कर देते हैं, कितना मिल जाएगा अपने को, दिस इज 472 एंड 3 ये मल्टीप्लाई हो गए प्लस 576, कितना मिल जाएगा मुझे आंसर इसका, 2274576 इसका आंसर आ गया, 524 स्क्वायर का आंसर मुझको मिल गया, 274576. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन कि हम किस तरह से इन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, इज दिस क्लियर. ठीक है क्या, समझ गए बच्चुआ कैसे होगा ये, ठीक. ये तीन प्रोसीजर हैं जहाँ पे 5 का एक्सटेंसिवली 5 का यूज़ हो रहा है तब हम इस तरह से कर रहे हैं. 5 अगर यूनिट प्लेस पर है तो वहाँ पे एंड डिजिट्स जो होंगे वो 25, मतलब यूनिट और जो वंस प्लेस पर टेंस प्लेस पर वो 25 रहेगा फॉर श्योर परफेक्ट स्क्वायर के अंदर. और क्या हो जाएगा यहाँ पे, 20 आ जाएगा पहले, राइट. दीज आर द मेथड्स. ठीक है क्या बेटा, आगे बढ़ें, आगे करें वो. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्क्वायर रूट्स. बेसिकली स्क्वायर रूट्स होते क्या हैं, दोज नंबर्स हुज मल्टीप्लीकेशन बाय इट्सेल्फ गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर. मतलब ऐसे नंबर जिन्हें हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलता है. मतलब खुद से जब उन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, परफेक्ट स्क्वायर मिलता है. उन नंबर्स को कहा जाता है स्क्वायर रूट. ठीक है, तो अगर मुझे 4 का स्क्वायर रूट पता करना है तो मैं किस तरह से, सबसे पहले तो स्क्वायर रूट लिखने का फॉर्मूला क्या, लिखने का तरीका क्या होता है, दिस रेडिकल साइन. ठीक है, ये साइन, ये रहा दिस साइन टू इंडिकेट स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, राइट. अब ये इसका बेसिक मीनिंग क्या है, 4 एंड दिस रेडिकल साइन मीन्स देर इज अ पावर ऑफ 1/2, राइट. इस रेडिकल साइन का मीनिंग है कि एक्स का पावर, राइट, से ये है तो एक्स का पावर कितना है, 1/2 है, हाफ है बेसिकली. तो मुझे क्या करना है, इसका हाफ करना है, राइट. क्यों करना है हाफ करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है बेसिकली. सो कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पे लिख करके मैं बताती हूँ. सो 4 बेसिकली स्क्वायर रूट किसका होता है, मतलब किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का. सो आई कैन राइट हियर 2, राइट. कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 2 को दो बार मल्टीप्लाई, अब देखो इसी को ही अपन लिख करके देखते हैं. सो दिस इज रिटन लाइक दिस, 4 1/2, ठीक है, विच मीन्स वॉट, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूँ, समझो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूँ तो आंसर अपने आप पता लग जाएगा. देखो स्क्वायरिंग किया मैंने दोनों साइड, ठीक है, स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, 4 = 4 आ गया, कैंसिल आउट हो गया. इसका मतलब कि ये जो रेडिकल साइन है उसका मीनिंग 1/2 है, मतलब रेडिकल साइन ये जो है, ये जो साइन है यहाँ पर स्क्वायर रूट का, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि उसका पावर, कोई भी जो नंबर है उसका पावर कितना है, 1/2. तो ये मैंने करके बता दिया, राइट. तो अब मुझे अगर इसका पावर निकालना, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है 4 का, तो मुझे कितना पता लगेगा, कितना होगा वो, 2. तो ये बेसिकली स्क्वायर रूट्स होते हैं, मतलब ऐसे नंबर्स निकालना जिसके हमें परफेक्ट स्क्वायर दिए हुए हैं. परफेक्ट स्क्वायर जिस भी नंबर के स्क्वायर होते हैं वो नंबर्स को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ द बेसिक थिंग. और इम्पॉर्टेंटली, आप कभी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समथिंग इज़ गिवन टू मी लाइक दिस, राइट, या हम पॉजिटिव 9 की बात करते हैं, ठीक है, अगर मुझे ये दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 9 निकालना है तो दैट इज ऑफकोर्स 3, क्योंकि मुझे पता है कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 3 × 3 = 9. तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, और ये किसका स्क्वायर रूट है, 3 का, ठीक है. स्क्वायर रूट किसका, कौन है इसका, 3, ठीक है. 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3.
3 है, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर रूट है, समझ गए? इट्स वन एंड द सेम थिंग। मतलब 9 को मैं बोलूँगी परफेक्ट स्क्वायर और 3 को मैं बोलूँगी स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 अगर मुझे निकालना है तो वो 3 मुझे पता है, बट इफ़ आई से दैट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9 तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सी वी कैन कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स ओनली, हम नेगेटिव नंबर्स का अगर निकालने जाएंगे तो वो इमेजिनरी नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बट वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। सो दिस इज़ वॉट हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स का जो स्क्वायर रूट है वो नहीं निकाल रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस तरह से दिया हुआ है -625, सो दिस इज़ नॉट डन, ठीक है, ये हम नहीं निकाल सकते। ये इमेजिनरी नंबर्स में निकलेगा, जो हमारे रियल नंबर्स हैं उसमें नहीं निकलेगा ये, ठीक है। सो हमने दो चीज़ पढ़ी, क्या है कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है वो जिस भी नंबर का स्क्वायर है, दो नंबर्स आर बेसिकली स्क्वायर रूट्स, वो उसी के स्क्वायर रूट होंगे। मतलब यहाँ पे मैंने बोला कि 9 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 एंड 3 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 9, आगे पीछे बस उसको यही बोलेंगे। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, ओके। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? शैल वी मूव फॉरवर्ड? एक बार लिख लो इसको, प्लीज़ राइट इट। फिर हम आगे करते हैं। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज स्क्वायर की जैसी है, सेम ही है कि इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 2, 3, 7 और 8, फिर उसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। कोई भी नंबर है वेर एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैव अ स्क्वायर रूट इन एन, देन इट डज नॉट हैव अ स्क्वायर रूट इन एन। मतलब बेसिकली अगर मुझे इस तरह से दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 7, 2, 8, ठीक है, तो एंड में मेरे पास 8 है, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं, इसका स्क्वायर रूट जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, डेसिमल्स में हो सकता है, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं निकलेगा, वो होल नंबर नहीं निकलेगा, बट क्या होगा, वो डेसिमल्स में निकलेगा, राइट। सो 2, 3, 7, 8 अगर मेरे पास कोई भी नंबर मुझे दिया हुआ है, सो उसका क्या, अगर यूनिट प्लेस पर अगर 2, 3, 7, 8 है किसी भी नंबर में, तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा, राइट। उसका जो स्क्वायर रूट है वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा अगर मुझे कोई भी नंबर दिया हुआ है तो, राइट। नेक्स्ट इज इफ़ अ नंबर एंड्स इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरो, अगेन द सेम थिंग, वही सेम चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल 4, 2, 5, 0, अब इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो अगेन वो एक नेचुरल नंबर में नहीं निकलेगा, नेचुरल नंबर नहीं निकलेगा उसका, वो भी किस में होगा, डेसिमल में होगा, राइट। एक नेचुरल नंबर स्क्वायर नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा उसका, वो भी डेसिमल फॉर्म में हो सकता है, राइट। देन द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज इवन एंड स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। अब एक एग्जाम्पल अपन यहीं लेके देख देते हैं। सो 289 अगर मुझे दिया है, राइट, सो दिस इज एन ऑड नंबर, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 17 होगा, राइट। सिमिलरली इफ आई टेक से 576, ठीक है, 576 क्या है, एक इवन नंबर है, किसका स्क्वायर होगा ये, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, दैट विल बी 24, राइट। 24 का ये क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर होगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर। सो इवन ही होगा, इवन नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर, जो स्क्वायर रूट है वो इवन होगा, एंड ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ऑड ही होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट जो है वो ऑड ही होगा, राइट। एंड देन नेगेटिव नंबर्स हैव नो स्क्वायर रूट इन सेट ऑफ रियल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स जो हैं उनका हम कभी भी नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, वो इमेजिनरी नंबर्स में निकलेगा, नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं निकलेगा, ठीक है। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? मतलब रियल नंबर के फॉर्म में नहीं निकलेगा। सो हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली इसकी। बेसिकली क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, सबसे पहले कि अगर कोई भी नंबर मुझे दिया हुआ है विच इज़ एंडिंग विथ, मतलब जिसके यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 आ रहा है, तो वो क्या होगा, एक और एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टुक 6, 5 एंड 3,
ठीक है, इसका भी अगर स्क्वायर रूट निकालोगे आप तो बेसिकली जब भी यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट कभी भी होल नंबर सॉरी नेचुरल नंबर में नहीं आ सकता, वो डेसिमल फॉर्म में आ सकता है बट नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। सिमिलरली अगर यूनिट प्लेस अगर एंड में लाइक इफ इट इज़ एंडिंग विद अ ऑड नंबर ऑफ जीरोज, कोई भी नंबर मुझे दिया हुआ है उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं तो वो क्या होगा, अगेन उसका कोई भी क्या नहीं निकलेगा, उसका नेचुरल नंबर के अंदर स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, अगेन डेसिमल में निकल सकता है, नो इश्यूज विद दैट। देन अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर मुझे गिवन है तो उसका स्क्वायर रूट भी ऑड ही होगा, अगर मुझे इवन परफेक्ट स्क्वायर गिवन है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी इवन ही होगा, एंड नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट हम रियल नंबर्स में नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज, प्लीज राइट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ें। करें आगे बढ़ते हैं अपन। सो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग अ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फाइंड करने का भी मेथड वही है, आपको क्या करना है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। इसके बेसिकली जो मैंने बताया था सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन जो है वो स्क्वायर रूट निकालने का मेथड होता है, तो वो बहुत ही छोटे नंबर्स के लिए होता है। सो यहाँ पे हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे, दैट इज दिस सॉरी थ्री मेथड वील बी स्टडी। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से आप पेयरिंग करके देख सकते हैं, पेयर जहाँ पे हो रहा होगा तो वही आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, और जहाँ पे पेयरिंग नहीं बन रही होगी दैट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज गिवन। सो अपन सबसे पहले 1764 का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमसे वो क्या पूछ रहा है, 1764 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए वो पूछ रहा है। तो फर्स्ट मेथड जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, तो अपन इसको करके देखते हैं। 1764 अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि तो अपन 2 से ही स्टार्ट करते हैं टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन। 2 8 16, देन 2 8 16 एंड 2 2 4, दिस गिव्स अस अगेन 2 4 8। सो बेसिकली ये होता था 21 का है, राइट 21 का ये स्क्वायर होता है, बट वी विल डू इट विद 3 3 4 3 7 21, अगेन 3, देन 7 7। ठीक है, तो अब मैं जो भी पेयर्स मुझे दे रखे हैं, ठीक है, उनका मैं एक एक जो भी पेयर मुझे दे रखा है उसका मैं एक एक नंबर ले लूँगी, दैट इज दिस 2, 3 एंड 7, एंड आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दैट। सो 2 × 3 × 7, सो दिस विल गिव मी व्हाट, 42। सो दिस इसका जो स्क्वायर रूट है दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 42, तो इसका जो स्क्वायर रूट निकला 1764 का वो कितना निकला, 42। सो दिस इज वन मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन कि हम किस तरह से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लेट्स स्टडी द सेकेंड मेथड, दैट इज द डिविजन मेथड। अब डिविजन मेथड का ये पूरा प्रोसीजर है, जस्ट सी टू इट, गो थ्रू इट वंस, फिर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी, और मैं करवाते टाइम पे मैं ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि वो किस तरह से हो रहा है। जस्ट टेक अ स्क्रीन शॉट। बेसिकली देखो, अगर मुझे यहाँ पर भी देखना है, इस एग्जाम्पल के अंदर भी देखना है, तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पीछे से हम लोग क्या करेंगे, इनके पेयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पेयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे, एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग ऐसे दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे जिसका स्क्वायर या तो इसके बराबर हो, जो फर्स्ट नंबर है उसके बराबर हो या उससे छोटा हो। ऐसे स्क्वायर से हम स्टार्ट करेंगे जिसका जिसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। तो अब 24 है, 5 5 = 25, बड़ा हो जाता है, तो मैं इससे एक नंबर छोटा लूँगी, दैट इज 16। सो 4 and 4 16, राइट। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, नाउ अगेन दिस इज बेसिकली डेसिमल आई गेस, तो वो डेसिमल एक कॉमा की तरह शोर है। सो दिस इज द प्रोसीजर, अब 16 से मैंने माइनस किया, मुझको रिमाइंडर मिल जाएगा। रिमाइंडर लिखने के बाद मैं क्या करूँगी, बाकी के जो पेयर हैं, अब ऐसा नहीं होगा कि मैं एक 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 नंबर को उतारूंगी, नो, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं पूरा के पूरा पेयर उतारूंगी नीचे, दैट इज 0 0 मैंने उतार लिया। और यहाँ पे मैं इस किस नंबर से इसको ऐड करूँगी,
यहाँ पे आई विल बी मल्टीप्लाइंग विथ दिस नंबर, जो यहाँ पे कोशेंट है, कोशेंट को आई विल बी मल्टीप्लाइंग विथ टू, मतलब ट्वाइस ऑफ द कोशेंट को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी यहाँ पर, ठीक है, मतलब ऐड कर दूंगी यहाँ पर, सॉरी, ठीक। तो इस तरह से हमको इस प्रोसीजर को करना है। लेट सी, हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट इज 784, राइट, लेट स्टार्ट विथ 784। अब इसकी पेयरिंग मुझे राइट हैंड साइड से करनी होती है, राइट हैंड साइड से, जब मेरे पास होल नंबर दिया हुआ है तो मैं पेयरिंग उसकी राइट साइड से कर रही होंगी। सो लेट्स पेयर इट आउट। यहाँ पे मैंने एक पेयर बना दिया, अब ये सिंगल है तो कोई बात नहीं, इसे हम इसी तरह लेंगे। नाउ लेट्स ड्रॉ दिस, ठीक। अब सबसे पहले मुझे सेवन के लिए देखना है, तो सेवन से छोटा स्क्वायर, सेवन से छोटा परफेक्ट स्क्वायर या उसके बराबर, बराबर तो होगा नहीं, तो सेवन से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो सकता है? दैट इज टू, टू टू ज़ा फोर, तो मैं एज इट इज ले लूँगी, दैट इज फोर, आई सब्ट्रैक्ट इट हियर विच गिव्स मी थ्री एंड 84। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, जो नेक्स्ट मेरा डिविज़र होगा वो क्या हो जाएगा, आई एड टू हियर, बेसिकली यहाँ पे मैं टू से, जो मेरा क्वेश्चन है उसी को मैं टू से मल्टीप्लाई कर रही होंगी, राइट, तो कितना आ जाए, टू इंटू टू इज फोर, तो आई राइट हियर फोर। अब फोर में मुझे ऐसे नंबर से यहाँ पे जो सेकंड डिजिट, जो मेरा वन स्पेस पे डिजिट आएगा, जो भी नंबर मुझे लेना है उसी से ही मैं उसे मल्टीप्लाई भी करूँगी, सो आई शुड गेट 384। सो आई मल्टीप्लाई इट विथ 8, राइट। सो 8 से मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं जो नंबर लिख रही हूँ उसी से ही मुझे इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, राइट, दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसी के आगे का वो डिजिट हो जाएगा। सो 28 इंटू 8, लेट सी टू इट, 32 एंड 6, सो 384। सो वॉट आई डू इज आई राइट हियर 48, राइट, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, 8, क्योंकि मैंने जो नंबर यहाँ वन स्पेस पर लिखा उसी से ही मुझको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो बेसिकली यहाँ पे भी मैं क्या कर रही थी, जो नंबर मैंने यहाँ लिखा उसी से ही मैं मल्टीप्लाई कर रही थी, तो यहाँ पे भी मैं जो नंबर लिख रही हूँ उसी से ही मुझे मल्टीप्लाई करना है। सो दिस विद दिस होल नंबर 48, पूरे नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 384। सो मुझे क्या पता लग गया, इससे मुझे क्या पता लगता है कि 784 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 28 है, राइट। दिस इज वन मेथड, इसी का और एग्जांपल करते हैं ताकि इट विल गेट मोर क्लियर। सेकंड करते हैं अपन, विच इज गिवन एज 3136। अब इसकी पेयरिंग करी मैंने राइट हैंड साइड से, राइट मोस्ट साइड से मैंने पेयर करना स्टार्ट किया, तो ये दोनों और फिर ये, लेट्स ड्रॉ इट अगेन। अब 31 के बराबर तो कोई परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, 31 से छोटा कौन सा हो सकता है, 6 6 6 36, बड़ा हो गया, सो 5 5 5 25। सो आई एम गोइंग टू टेक 5, मतलब जो मैंने नंबर यहाँ लिया उसी से ही मुझे मल्टीप्लाई भी करना है, सो मैं यहाँ पे उसको क्वेश्चन को लिख दूंगी 25। दिस गिव्स मी हाउ मच, 6। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर भी देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पर भी मैंने इन पैर को एज इट इज कॉपी किया था नीचे, यहाँ पर भी मुझे पूरा के पूरा पैर कॉपी करना है, ना कि एक एक नंबर। सो आई राइट दैट हियर, दिस विल गिव मी 636, राइट। अब नेक्स्ट जो मेरा डिविज़र है वो कौन सा होगा, नेक्स्ट डिविज़र जिससे मुझे मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर मुझे ये मेरा डिविडेंड हो गया, ये मेरा नया डिविडेंड हो गया है, ठीक है, दिस इज माई न्यू डिविडेंड, बट मेरा नया डिविज़र क्या होगा, डिविज़र क्या होगा मेरा, 5 को जो कोशेंट है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, आई विल गेट व्हाट, 10, सो आई विल गेट हियर 10। अब 10 के बाद यूनिट प्लेस, ये तो मेरे टेंस और 100 प्लेस हो गए, यूनिट प्लेस मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिससे कि मैं मल्टीप्लाई भी करूँ पूरे नंबर को, तो मुझे 636 मिल जाए, सो आई विल मल्टीप्लाई इट विद व्हाट, 3 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा इसको, और 6, आई मल्टीप्लाइड विथ 6, बिकॉज सी 106 एंड 6, 106 जो यूनिट प्लेस पर मुझे लिखना है उसी से ही मुझे इसको मल्टीप्लाई भी करना है, स्क्वायर ले रहे हैं ना,
यहाँ पर भी हमने स्क्वायर लिया था, 8 से ही किया था, देखो यहाँ पर भी मैं 6 से ही करूँगी, 5 को भी मैंने 5 से ही किया था, सो 8 दिस गिव्स मी 36 एंड 6 36 राइट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 एंड 56, सो आई गेट द आंसर हियर, मुझे स्क्वायर रूट यहाँ पे पता लग गया, 3136 का स्क्वायर रूट मुझे पता लग गया कितना, 56। हैव वी अंडरस्टूड चिल्ड्रन, वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, वन जीरो सिक्स जीरो नाइन, सो दिस इज 10609 राइट, अगेन स्टार्ट पेयरिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से हम पेयर करना स्टार्ट करेंगे, सो लेट स्टार्ट, अब वन से छोटा तो क्या होगा, वन से वन ही करेंगे हम, सो लेट स्टार्ट विथ वन है, ठीक है, तो ये तो वन आ गया, क्रॉस हो गया, अब मुझे डायरेक्टली क्या करना है, पूरे के पूरे पैर को उतारना है, 06, अब 06 तो किसी का भी नहीं हो सकता, किसका होगा, देखो यहाँ पे अब मेरा नया डिविडेंड क्या हो गया, 06 हो गया, और मेरा डिविजर क्या हो जाएगा, डिविजर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल बी मल्टीप्लाइंग 1 विद 2, मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो हियर दिस इज 2 राइट, अब 2 तो मेरा टेंथ प्लेस है, 2 तो मेरा 10 स्पेस पर है, 2 के बाद मुझे 1 स्पेस पर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब देखो 2 में अगर स्मॉलेस्ट नंबर मैं अगर 1 को भी मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 21 विच इज़ अगेन ग्रेटर देन दिस राइट, इट इज़ ग्रेटर देन दिस, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लिखना है और यहाँ पे भी 0 लिखना है राइट, इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना है, 0 लिखना है राइट, और अगर देखा भी जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2 इज 20, तो ये 20 मेरा लिखा हुआ आ गया, बट अब 0 लिखने के बाद क्या प्रोसीजर है कि यहाँ पे 06 तो मेरा डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि मैंने 0 लिख दिया, रिमेंबर डिवीजन में हम क्या करते थे, पॉइंट लगा के 0 लिख देते थे और बाकी के नंबर भी उतार लेते थे, दिस इज द सेम प्रोसीजर, यहाँ पे मैं 09 को भी उतार लूँगी नीचे, ठीक है, ये दोनों जो मेरे दिए हुए हैं नंबर्स इनको भी मैं यहाँ पे उतार लूँगी, तो अब मेरा पूरा नंबर क्या हो गया, 609 मेरा पूरा डिविडेंड हो गया, नया जो डिविडेंड है वो कितना हो गया, 609 हो गया, अब मुझे 20 को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, 20 मल्टीप्लाई सॉरी नॉट डिवाइड मल्टीप्लाई एंड यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए कि उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो आई गेट 609, सो इट विल बी 3 से मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया था, आई गेट 90 एंड 6609 मुझे मिल गया, इसका मतलब यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है, सो 609 राइट, तो मुझे मेरा आंसर मिल गया, प्लीज़ प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको करने में, पर ज़्यादा क्वेश्चंस हम जब करेंगे परफॉर्म तो अपने आप क्लियर आउट हो जाएगा, अभी हम इसी के जस्ट बाद वील बी डूइंग द डेसिमल ऑल्सो, ये तो हमने होल नंबर्स का किया है, अभी हम डेसिमल नंबर्स का भी डिवीजन देखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यों किस तरह से हो रहा है, तो लाइक नाउ व्हाट कैन आई से दैट स्क्वायर रूट ऑफ 10609 इज व्हाट 103, दिस इज हाउ यू परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन मेथड, दिस इज हाउ यू डू लॉन्ग डिवीजन मेथड, प्लीज राइट इट डाउन, तो फिर मैं आगे जो डेसिमल पार्ट है उसके भी मैं क्वेश्चन करा दूंगी, चलें आगे करें, नेक्स्ट इज फाइंड द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, सेम चीज़ है बट अभी मेरे पास क्या है, यहाँ पे डेसिमल नंबर्स भी आ गए, ठीक है, तो अब डेसिमल नंबर्स के लिए हम लोग कैसे करते हैं, जस्ट सी टू इट, प्रोसीजर वही है, सिर्फ एक डेसिमल और आ जाएगा, माइनर सा चेंज है, 6.4009, ठीक है, अब होल नंबर्स के अंदर जब हम ले रहे थे उनके लॉन्ग डिवीजन, तब हम क्या कर रहे थे, राइट साइड से उसको क्या करते थे, हम लोग पेयर्स बनाते थे राइट, बट डेसिमल में ऐसा नहीं करना है, डेसिमल में दैट इज़ नॉट द प्रोसीजर, हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल से पहले, डेसिमल से पहले
तो हम वहीं लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज गिवन टू मी 4567.95203, अगर इस तरह से मुझे गिवन है, तो डेसिमल से पहले मैं उसी मेथड में ही कर रही होंगी. मीन्स आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, फिर यहाँ पे इन दोनों का पैर और फिर इन दोनों का पैर. बट डेसिमल के बाद मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है? जस्ट आफ्टर द डेसिमल. मीन्स इन दोनों का पैर बना है, फिर इन दोनों का, एंड दिस रिमेन्स जस्ट लाइक दिस. ठीक है, तो इस प्रोसीजर से, इस तरह से हमको इस प्रोसीजर इस के पैर करने हैं, और उसी तरह हमको उसको उतारना भी होगा नीचे जब हम नया डिविज़र बना रहे होंगे, लाइक जब रिमाइंडर के साथ हम नए डिविज़र को लिख रहे होंगे. सो दिस इज़ द प्रोसीजर. समझ गए कि हम लोग कि जब भी डेसिमल पार्ट आ रहा है, तो डेसिमल से पहले वाला जो होल नंबर पार्ट है, होल नंबर वाला जो पार्ट है, उसमें हम सेम प्रोसीजर कर रहे होंगे जैसा होल नंबर से कर रहे थे, मतलब कि एंड से स्टार्ट कर रहे थे फ्रॉम राइट हैंड साइड. बट डेसिमल के बाद, जस्ट डेसिमल के बाद से हम डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं उनके ऊपर पेयर करना स्टार्ट करेंगे, और फिर एंड में जो भी जितना भी नंबर बचता है. ठीक है, यानी कि बेसिकली यहाँ और यहाँ वाले नंबर को हम वो कर रहे होंगे कि स्टार्टिंग हमें यहीं से करनी है. ठीक है, समझ गए? क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? तो अब इसी को करते हैं अपन. इस क्वेश्चन में आप देखो, सिक्स तो एज इट इज़ है ही सिंगल, उसका तो रहेगा. बट यहाँ पे अब डेसिमल से स्टार्ट करूँगी मैं, तो 40 को मैंने पेयर कर दिया और फिर 09 को पेयर कर दिया. ठीक, अब इसके अंदर लेट्स राइट इट डाउन. अब अपन इसको करते हैं, लेट्स सी टू इट. सबसे पहले 6 है, तो डेफिनेटली 2 से जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा तो क्या होता है, 4, 4, 4 जाए 6, 3 is 3, 3 is 9, 9 इससे बड़ा हो गया, तो मुझे 2 ही लेना पड़ेगा. 2, 2 जाए 4 and 2, राइट. नेक्स्ट मेरा डिविजर क्या बन जाएगा, 2 into 2, दैट इज 4. पर अभी ये टेंस प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर मुझे अभी कुछ चाहिए. एंड यहाँ पे ये देखो 40 एज इट इज़ है, तो उनको मैं उतार तो दूंगी, बट ये किसके डेसिमल के बाद है, तो ये डेसिमल यहाँ पर भी आएगा. डेसिमल का पार्ट, जैसे ही होल नंबर पार्ट खत्म हुआ, डेसिमल आया, डेसिमल में एज इट इज़ लगा दूंगी वहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर डेसिमल का पार्ट है, डेसिमल लगा दिया, 40 को मैं एज इट इज़ पूरा उतार लूँगी, एज इट इज़ पूरा एज पेयर उतारूँगी मैं. अब 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, दैट आई गेट 240. सो लेट्स सी, 8 से करके देखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा. 7 से, 7 इज ऑल्सो, 6 इज ऑल्सो मोर देन 5, 25, 22. सो इट शुड गो विथ 5 से जाना चाहिए ये. देखो 5 से ही 5 यूनिट प्लेस पर आया, 5 को ही मैंने टेंस प्लेस पर ले लिया, सॉरी 5 से ही मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस गिव्स अस 225 आ गया. तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, 5 लिख दूँगी, क्योंकि 5 से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं इसको, राइट. सो हाउ मच डू आई गेट 225. सो दिस इज 5 एंड दिस इज 15. ठीक, अब यहाँ पे नया डिविजर क्या बन जाएगा, ये मेरा नया डिविडेंड हो गया. नया डिविडेंड कब बनेगा, जब मैं इन दोनों को भी यहाँ पे उतार दूंगी. सो कितना हो जाएगा, 09, ये मैंने यहाँ पे उतार दिया, 1509, ये मेरा न्यू डिविजर हो गया, सॉरी न्यू डिविडेंड हो गया, न्यू डिविडेंड हो गया. बट डिविजर मेरा क्या हो गया, न्यू डिविजर होगा मेरा 2.5 into 2, दैट इज व्हाट, 50, राइट. इसमें हम डेसिमल काउंट नहीं करेंगे, बिना डेसिमल के ही मुझे पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से. तो कितना मिलेगा मुझे, 50. सो 5 and 0. अब 50 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सी टू इट. देखो 50, 3 and 3, यूनिट प्लेस पे 3 लिया, उसी से ही मल्टीप्लाई कर दिया. सो 3, 3 is 9, 0 and 15, राइट. सो ये कितना हो गया, 3, हेयर ऑल्सो 3, 1509, और ये डिविजन पूरा हो गया. ठीक है, आया हमको समझ में?
तो इसका ये मतलब हुआ कि 6.4009 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, 2.53। मतलब नॉट जस्ट द होल नंबर,
अब यहाँ पे पेयरिंग मुझे दिख गई, कौन सी है, टू की, थ्री की, लेकिन फाइव सिंगल है, राइट, फाइव है सिंगल, इसका मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं हुआ। तो अब वो पूछ रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। तो अगर मैं इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इफ़ आई मल्टीप्लाई इट विथ फाइव, तो सो दैट इट कैन बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, राइट। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेंड। अब अगर मैं इसके अंदर फाइव को मल्टीप्लाई करती हूँ, मतलब अब वो बोल रहा है कि नया नंबर, जब आपने इसको फाइव से, स्मॉलेस्ट नंबर फाइव से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद उसका स्क्वायर रूट क्या है, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर है क्या। सो 180 के अंदर अगर मैं फाइव और मल्टीप्लाई कर दूंगी, इफ़ आई मल्टीप्लाई फाइव, मतलब ये फाइव मुझे मल्टीप्लाई करना था, सो व्हाट आई विल डू इज नया नंबर क्या हो जाएगा, 180 में मैं फाइव को मल्टीप्लाई कर दूंगी, व्हाट डू आई गेट, 900। अब मुझे 900 का स्क्वायर रूट निकालना है, विच इज व्हाट, 30, ये तो हम जानते हैं। तो दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके मैं पता कर लूँगी कि उसके अंदर एक ऐसा नंबर कौन सा है जिसका प्राइम, जिसका पेयर नहीं बन रहा है, उसी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। दिस इज अ सिंपल मेथड, दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन, पी सी टू इट वंस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1152 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द दिस बिकम्स, ये सेम है, सेम, इट इज जस्ट द सेम क्वेश्चन, सेम प्रोसीजर है इसका भी, वही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 1152 का, वही आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाओगे, एंड देन जो भी नंबर एक्स्ट्रा होगा वो आपको क्या करना होगा, दैट यू आर सपोज टू डिवाइड इट, उसको हटाना है। सो लेट्स सी टू इट, 2 5 10, 14 6 12, 576 इसका स्क्वायर होता है, 24 का, वी नो दिस, सो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, दो आप कर सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली यू कैन ट्राई इट एट होम, बट यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, व्हाट कैन आई सी हियर, दैट 1152 कैन बी रिटन एज हाउ, 2 × 24 × 24, राइट। तो अब 2 जो है, 2 यहाँ पे इसकी पेयरिंग नहीं हुई है, मतलब 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगी, इफ़ आई डिवाइड 1152 बाय 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 576, आई विल गेट हेयर व्हाट, 576 मुझे मिल जाएगा अगर मैं क्या कर रही हूँ, 1152 को डिवाइड कर रही हूँ किससे, 2 से, तो मुझे क्या मिल रहा है, 576 मिल रहा है, राइट। अब 576 वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर सो ऑब्टेन। अब इसी का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, इसका अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, मुझे पता ही है 24 का है, इसे ये मैंने निकाल दिया, राइट। दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1296। तो वो बोल रहा है इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर्स, सो लेट द नंबर बी 2x। तो सेकेंड नंबर कौन सा और क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर विल बी वॉट, 16x। अब इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे क्या दे रखा है, x × 16x मुझे कितना दे रखा है, 1296, मतलब दिस बिकम्स वॉट, 16x² = 1296। तो एक्स स्क्वायर मुझे निकालना है कितना है, 1296 डिवाइडेड बाय 16, विच इज़ हाउ मच, 81। तो इसका ये मतलब हो गया यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर अगर मुझे दिया हुआ है 81, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, ±9, ठीक है। या तो इसका ये मतलब है कि बेसिकली या तो 9 हो सकता है या -9 हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू है, तो या तो आप +9 +9 को दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी 80 बनाएगा, नेगेटिव नंबर को भी दो बार मल्टीप्लाई करोगे -9 को तो भी कितना आएगा, 81 ही आएगा, राइट। सो इसकी वैल्यू इस तरह से निकल सकती है।
राइट चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर? आई होप आपको समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन. नेक्स्ट इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 147 मस्ट बी मल्टीप्लाइड. सिंपल सेम क्वेश्चन है. 147 में आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाएंगे. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, जिसका भी पेयर नहीं बन रहा है उसी नंबर को दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर से, तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन निकल जाएगा. उसका स्क्वायर रूट निकाल देना. नेक्स्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3645 मस्ट बी डिवाइडेड. इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही निकालना है, तो नेक्स्ट नंबर भी मेरा निकल जाएगा. दिस इज हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन एज वेल. जो भी एक्स्ट्रा नंबर आ रहा होगा, जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा, उसको इससे डिवाइड कर देंगे. जो रिजल्टेंट होगा उसी को क्या कर देंगे, उसी का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो आंसर आ जाएगा. वी हैव डन दिस अर्लियर, ये हमने पहले भी किया हुआ है. सो दिस विल बी योर होमवर्क, राइट? दिस विल बी योर होमवर्क. प्लीज ट्राई इट आउट. नहीं आता तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो और इन द टेलीग्राम. नो इश्यूज विद दैट, राइट? सो दिस इज इट फॉर टुडे चिल्ड्रन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग. रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू रिमेन नोटिफाइड फॉर ऑल आवर अपकमिंग ऑसम वीडियोज. थैंक यू सो मच. बाय.